नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। ये वीडियो बहुत ही डिमांड पे मैंने बनाया है। एक वीडियो मैंने पीछे बनाया था, पांच जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाले और बोनस शेयर देने वाले स्टॉक्स हैं, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए कि हमें 10 स्टॉक बताइए, 15 स्टॉक बताइए जो सबसे ज़्यादा बोनस और डिविडेंड देने वाले शेयर हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको 10 स्टॉक्स बताएंगे, 10 शेयर बताएंगे जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड और बोनस शेयर देते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला जो शेयर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये नाम सुनकर के बहुत सारे लोग चौंक भी जाते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री को उतना रिकॉर्ड नहीं है डिविडेंड देने का, बोनस देने का, लेकिन डिविडेंड ये हर साल देती है ये कंपनी। साथ ही साथ इस कंपनी के पास देखिएगा रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, 4,26,000 करोड़ का। अभी तक कंपनी जो है अपने सारे बिजनेस जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसके बेस को स्ट्रॉन्ग किया है। जैसे रिटेल बिजनेस है, जियो बिजनेस है और मीडिया बिजनेस है, सारे बिजनेस को रिलायंस स्ट्रॉन्ग किया है और बहुत तेज़ी से ये अपना जो है बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने वाला है, ग्रोथ कर देने वाला है। तो समझ सकते हैं सारे जो ग्रोथ देंगे उस पर जो फोकस होगा, ये जो रिजर्व यूज करेंगे जो शेयर होल्डर का है, तो वो क्या करेंगे, शेयर होल्डर को बोनस शेयर देंगे। ऐसे भी कंपनी आप देखिएगा तो पीछे 10 साल में 2 बार बोनस शेयर दी है, 2017 में भी ये कंपनी बोनस शेयर दी है। तो उस समय कंपनी जो है अपने बिजनेस के जो बीज हम बोते हैं ना, तो सारे बिजनेस के बीज को वो बो रहा था। जियो हो गया, रिटेल हो गया, उधर हमारा मीडिया हो गया, सारे अब पौधा तैयार है ग्रो करने के लिए। अब यह तेजी से, काफी तेजी से ग्रो होगा रिलायंस, तो अपने सारे बिजनेस को ग्रो करेगा, तो वैसे में रिजर्व जब यूज करेगा तो आपको ये कंपनी क्या करेगी, बोनस शेयर इश्यू करेगी। और अच्छा खासा डेप्ट फ्री हो चुका है कंपनी का, बिल्कुल डेप्ट खत्म हो चुका है। अब क्या करेगा ये कंपनी, डेप्ट जब खत्म हो गया आपको अच्छा डिविडेंड भी पे करेगी। तो या तो आपको डिविडेंड अच्छा पे करेगी या तो बोनस शेयर देगी। तो समझ सकते हैं रिलायंस काफ़ी बेहतरीन शेयर है आपके लिए, अगर आप फ्यूचर के लिए मतलब अगले 10-20 साल के इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारा इन्फोसिस। इन्फोसिस के बारे में हम काफ़ी बार बातचीत कर चुके हैं, तो इन्फोसिस हर कोई जानता है, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। अभी ये इसका पी देखिएगा 24 का है, रिलायंस का जो पी है 42 जा चुका है, पहले इसका भी काफ़ी कम था, इसका भी काफ़ी कम था। इन्फोसिस के पास भी रिजर्व 73,667 करोड़ का है, इतना करोड़ का रिजर्व है इन्फोसिस के पास भी। और इनके बारे में हर कोई जागरूक है कि इन्फोसिस रेगुलर टाइम पर आपको डिविडेंड देती है और जो है बोनस शेयर देती है। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है जो एक शेयर पर मिनिमम 20 रुपीज़ का डिविडेंड देती है इन्फोसिस। तो ये दूसरा नंबर आ गया। तीसरा नंबर पर हमारा HDFC AMC। ये भी नाम आपको चौंकाने वाला होगा कि ये शेयर तो बोनस नहीं देता है, लेकिन याद रखिए ये शेयर में काफ़ी ग्रोथ आने वाला है। अभी मात्र 2-3 साल लिस्टिंग का हुआ है इस कंपनी का। अगर इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो मात्र अपने 2 साल के लिस्टिंग में ये जो है कंपनी 1700 रुपया से 4000 रुपये के प्राइस तक पहुँच चुका था। समझ सकते हैं कितना ग्रोथ है इस कंपनी में, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट की जो कंपनी है वो नंबर 1 कंपनी है। चाहे कितनी भी कंपनियाँ मार्केट में आ जाए, इस कंपनी की बराबरी करना, तुलना करना संभव नहीं है, क्योंकि ये बेहतरीन कंपनी HDFC ग्रुप की कंपनी और HDFC बैंक और HDFC दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है। और इसके पास जो रिजर्व है कंपनी के पास देखते हैं 3900 करोड़ का, और कंपनी जो बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। तो सबसे पॉजिटिव बातें हैं, ये कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है और HDFC ग्रुप की कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन कंपनी है। तो जब इस कंपनी में आगे ग्रोथ होगा, अभी 1 साल तक हो सकता है ये अंडर परफॉर्म रहे, क्योंकि अभी हमारा जो पैंडेमिक है, ऐसे में लोग कहाँ ध्यान देंगे, पहले अपने सर्वाइव करने पर, अभी वो म्यूचुअल फंड पर कम ध्यान दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में ये कंपनी अगले 1 साल तक हो सकता है अंडर परफॉर्म रहे, लेकिन उसके बाद जैसे हमारा सिचुएशन बेहतर होता है फिर से, तो निश्चित है ये कंपनियाँ फिर से परफॉर्म करेगी। जैसे लोग का अर्निंग बढ़ेगा फिर आगे, तो निश्चित है कि वो क्या करेगा, ये कंपनी परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका जो पी है अभी 41 का है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी ये भी है। उसके बाद अगला हमारा जो कंपनी है TCS। TCS IT सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। अभी जो पैंडमिक देख रहे हैं आप, उस पैंडमिक में जो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियां बर्बाद हो जाएगी, वैसे में ये इन्फोसिस, TCS, विप्रो भी अच्छी कंपनी है। तो ये सब कंपनियों जो है उन छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर करेगा। इधर भी कई सारे न्यूज़ आए थे कि जो विप्रो एक कंपनी का एक्वायर किया यूरोप में। तो इस तरह के जो है आप देखिएगा इसके जो और ज़्यादा बिजनेस का फैलाव होगा, और ज़्यादा सारी कंपनियों को ये एक्वायर करेगा, छोटे छोटे जो कंपनियाँ होती है। तो यही होता है पैंडमिक में बड़ी बड़ी कंपनियों के फायदा, क्योंकि इस कंपनी के पास देखते हैं रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, 78,000 करोड़ का रिजर्व है। जब ये यूज करेगा किसी भी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तो
क्या करेगा, अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर इश्यू करेगा। तो काफी बेहतरीन कंपनियां है ये सब, इसका पी अभी है 27 का। अगली कंपनी है हमारा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी का भी जो फार्मा में बिजनेस है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड करने का मतलब होता है कि हर सिचुएशन में फ़ायदा होता है इस कंपनी को। अभी तो जो फार्मा से रिलेटेड कंपनी उसे काफ़ी बेनिफिट्स हो रहा है इस पैंडमिक में, तो यह कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है इस पैंडमिक से, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट का रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोडक्ट है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। और इस कंपनी के पास रिजर्व है 15,000 करोड़ का, कंपनी के पास थोड़ा सा डेप्ट भी है 1,062 करोड़ का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 23 का पी है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनियाँ हैं। उसके बाद अगला जो हमारा छठे नंबर पे है वो है रिलैक्सो फुटवेयर। इस कंपनी को देख करके आप चौंक गए होंगे, लेकिन इस कंपनी का आप जब रिकॉर्ड देखेंगे तो पीछे के 10 साल 20 साल के रिकॉर्ड भी काफ़ी बेहतरीन है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो है अपना मोनोपोली क्रिएट किए हुए, एक तरह से कहिए आप इसके स्पार्क देख लीजिए, फ्लाइट देख लीजिए, पैरागॉन देख लीजिए, इनके कई सारे ब्रांड है इस कंपनी के जो मार्केट को लीड करते हैं। जो रिलैक्सो चप्पल है वो हमारे यहाँ के छोटे पूंजी वाले लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है, तो इसके कई सारे ब्रांड है जो कि काफ़ी फेमस है। और इस कंपनी के पास जो रिजर्व है 1,275 करोड़ का, रिजर्व काफ़ी कम है लेकिन कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। डेप्ट कंपनी के ऊपर 166 करोड़ का है, देख सकते हैं कंपनी के ऊपर डेप्ट भी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसका पेज है 68 का है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है क्योंकि इसका बिजनेस जो है काफ़ी बेहतरीन है। बिजनेस अब प्रभावित होने वाला नहीं क्योंकि अब बहुत जगह लॉकडाउन हट चुका है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, और साथ ही साथ कई सारे स्टेट में भी लॉकडाउन हट चुका है, कई सारे स्टेट में नया लगाया गया है, तो वो भी धीरे धीरे हटेगा। और उसके बाद जो अगली कंपनी है हमारा वो है SCL टेक, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, इंडियन मार्केट पर काफ़ी बेहतरीन पकड़ है इस कंपनी का, और रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन आया है। और कंपनी के पास जो रिजर्व है देखते हैं 38 करोड़ का, और कंपनी के पास डेप्ट बिल्कुल जीरो है, और पी जो 18 का है। उसके बाद जो अगली कंपनी है आठवीं कंपनी वो है ITC, दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन ये कंपनी जो है परफॉर्म नहीं कर रही है, अपने शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही है पिछले कई सालों से, क्योंकि ये कंपनी जो है उसका बिजनेस तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, सिगरेट में है, FMCG में है, एग्रीकल्चर में है, स्टेशनरी प्रोडक्ट में है, तो काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है कंपनी का, लेकिन उस अनुसार शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं मिल पाया है। और इसका जो अभी रिजर्व है कंपनी के पास 58,493 करोड़ का, कंपनी का डेप्ट बिल्कुल जीरो है, और इसका पी 15 का है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, ये भी काफ़ी बेहतरीन बोनस और डिविडेंड तो काफ़ी शानदार देती है। जितना आप FD पर रिटर्न प्राप्त करेंगे उतना अब ये कंपनी डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दे रही है। उसके बाद अगली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, 12,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, और डेप्ट जो है कंपनी का जीरो है, 1 का पी है, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है जो आने वाले समय में आपको काफ़ी सारा बोनस और डिविडेंड तो कंपनी हर साल काफ़ी बेहतरीन देती है। उसके बाद अगली कंपनी है 10वें नंबर पर एवेन्यू सुपरमार्ट, ये कंपनियां काफ़ी बेहतरीन आपको आगे चल करके बोनस दे सकती है क्योंकि ये काफ़ी ग्रोथ पर ध्यान देती है ये कंपनियां, तो निश्चित है कि आपका जो भी मतलब प्रॉफिट होता है वो यूज करेगा किस में, ग्रोथ में, और जो भी रिजर्व होगा कंपनी के पास उसको बोनस शेयर के रूप में अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देंगे, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनियां हैं जो इसमें डिविडेंड आपको अभी नहीं मिलेगा, कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा तब आपको इसमें डिविडेंड देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी कंपनी मुख्य रूप से अपने ग्रोथ पर फोकस कर रही है, तो इस कंपनी में हो सकता है आपको डिविडेंड कम देखने मिले या नहीं भी देखने मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अपने ग्रोथ पर फोकस करती है। उसके बाद इस कंपनी के पास भी डेप्ट है थोड़ा सा 246 करोड़ का, कंपनी का जो पी है काफ़ी हाई है, 109 रुपये का पी है, देख सकते हैं जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 109 का है। ये टॉप 10 कंपनियां थी जो आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा बोनस और डिविडेंड दे सकती है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी तरह के सवाल हो, कोई भी आपका सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन वीडियो आपको मिलता रहे।